सरकार मैं यूं गया और यूं आया। इसके आंखों की पट्टी खोलो और मेरे यार तुम यहां से जाओ, जो अपना एयर कंडीशन वाला कमरा बना है वही कमरे में घुस जाओ। उसी कमरे में एक मैकडावल की बोतल रखी हुई है। क्या जाओ आधी मारो और कमरे में आराम करो। और मेरे दोस्त कहीं शराब पीने के बाद मेरा भी मूड घूमने लगा तो इस पूनम के साथ पहला नंबर आपका होगा, दूसरा हमारा, तीसरा मंत्री कांता सिंह का। मैं चल रहा हूँ, चल मेरे यार, तब तक पैक पे पैक लगा रहा होगा। जय गोपाल की मेरे, जय गोपाल की मेरे दोस्त। जाना ये वही प्रताप सिंह है जो फर्स्ट मुलाकात में किस हाल में था और सेकंड मुलाकात में किस हाल में है। और तुम हमारा कहना मानोगी तो बिजनौर की महारानी बन जाओगी, वरना फिर दर दर की ठोकरें ही खाओगी। देखिए आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपका कहना कभी जीवन में नहीं मानूंगी। मैं छोड़वा लंबी चौड़ी थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा समझा दे, समझा दे बैठ जाओ। जैसा कर इनका कहा मान लियो, हिया की राजकुमारी बन के रही हो, ये बहुत बड़े राजा बन चुके हैं, इनके कम से कम पचीसन भट्टा चल रहे हैं। क्या हुजूर पचीसन भट्टा चल रहे हैं और ईटा एक को नहीं निकल रहे हैं। अरे शायद हिंदान मान जाए, और बहुत बड़े काशकार हैं, इनके कम से कम 100 ट्रक चल रहे हैं। क्या हुजूर कम से कम 100 ट्रक चल रहे हैं, सब रोड के बाहर चल रहे हैं। अरे शायद हिंदान मान जाए, और बहुत बड़े काशकार हैं, इनके पास 100 एकड़ जमीन है, 100 बीघा धान लगवा ही मजूरी आज तक नहीं दे पाएंगे। अबे साले किसकी मजदूरी बकाए है रे? समझाई थे, समझा रहा साला की भड़का रहा है। अब इट्टी मान जाओ, और आपका ज्यादा परेशान करें तो निकाल के मार मुहे पा। क्या चीज? गुलाब का फूल। बोल मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं कभी जीवन में नहीं मानूंगा। अरे छोटवा इसके हाथों में हथकड़ी लगा और उसे थम से बांध दे। हम इसको आधे घंटे का समय और दे रहे हैं, क्योंकि हम आधे घंटे आराम करेंगे और हमारी नींद खुलने के पहले अगर इसने प्यार के लिए हाँ ना किया तो तुम्हारे सीने में टाइम बम बांधूंगा, रिमोट का बटन दबाऊंगा, तुम्हारे जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। समय आधे घंटे का सोच लेना और समझ लेना, क्योंकि हम आधे घंटे थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। Yeah!
इजाजत के हमारे महल के अंदर तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नकाब पोश, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत के बगैर इजाजत के महल के अंदर जिंदा रहने चाहते हो तो सुनो तुम्हें क्या करना है। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लाभ 10 लाख 10 लाख रुपया हमें दीजिए। लग रहा कि चोर और सिपाही की कोई फिल्म दे कर दिया है। हमारे इस महल को कोई एटीएम समझ रहे हो, स्टेट बैंक समझ रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक समझ रहे हो। इस समय हमारे महल में 10,000 रुपया भी नहीं है और तुम 10 लाख की बात कर रहे हो। 1,000 रुपया नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1,000 रुपया नहीं दूंगा। वहो जाओ नरेगा वाला पैसा घपला करे हो, काल देखा है नई नई नोट निकलवा के लाओ है, दे दो नहीं पेल के मनई बनाई है सब। अरे छिपवा, उन नरेगा वाला रुपया क्यों बता दिया? अरे दैत्यों ने बदमाश है पेल के मनई बना दिया। तो साले पागल है, तो बहुत दिनों के बाद साले भाग दौड़ करने में पेमेंट हुआ है और नरेगा वाले पेमेंट में सब नई नई करेंसी की नोट मिली है। नकाबपोश, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम करेंसी की एक नोट नहीं देंगे। अगर पैसा न दियो अपने फैक्ट्री की एक मशीन है मशीनवा दे दियो, पैसों बच जाए आपो बजे मशीनवा जाए दियो। समझते हो नहीं बात हमार है? लेकिन छोटुआ, क्या ये लोग मशीन में मान जाएंगे? अरे चोर है, बेच भी किंदे है का तो कलो। अरे पागल, चोर और डाकुओं को नगद कैश चाहिए, जेवर चाहिए, तो ये लोग मशीन में कैसे मानेंगे? अरे इनका अड्डा फिट है, बेच के पैसा ले लिया तुरंत। तो ठीक कह रहा है, जहाँ पर हमारी जान बच रही है, 10 लाख रुपया बच रहा है, तो हमारी फैक्ट्री में तो बहुत मशीने लगी हुई है, अगर एक मशीन चली जाएगी तो ठाकुर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बता, किस मशीन की बात कर रहा? हम वो मशीन के बात कर रहे हैं तुम्हार बहनी हुआ। इसमें कितना रुपया है? बाल कितना रुपया है? कितना मांगा है? 10 लाख 10 लाख मांगा तुमका 20 लाख। कौन हमारा कमाई? शाबाश प्रताप सिंह, आज तो मैं जा रहा हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, और जिस दिन दोबारा हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई वही दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साथियों आओ हमारे साथ और प्रताप सिंह जयराम जी की। जन्म मैं तेरे मैं साथ रहूंगा, तुम्हारे साले बाप का रुपया था जो ला के रह दी है तेरे। ये साला गीला गीला क्या लगा दिया साले?
तुम्हारे साले बाप का रुपया था जो बात से रहे। अरे आपके साथे रहे रहे फराटी पना हम सीख ली ना। क्या जी ना, पैसा थोड़ा रहा है, एक जूता एक मोजा रहा है। क्या? और झूठ न बोली ना, आपो का पेल का मन नहीं बना हुआ, हम को बना। मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे लुटवा लिया, लेकिन तूने हमारी जान बचा लिया, मेरा 10 लाख रुपया बचा लिया। अगर पहले बताए होते हो ना, एक को साले भाग थोड़े पाऊंगी। जिस समय ये लोग आए थे उस समय कहाँ थे? या तो मैं जेब में रही। तो साले पहले क्यों नहीं दिया? अब पहले कहाँ दे, हम कहे चोर है साले, पक्के चोर है। अब इतने दिन माँ का बिना बताए न मरी है, जल्दी बताई है, जल्दी आपका दे दे। अबे साले गधे की औलाद, अगर दुश्मन साले लतिया के चला जाओ, जब हम रिवाल्वर मांगेंगे तब साला रिवाल्वर देगा। जय मंत्री का तब बुला करके रहा। छोटे सरकार, आपके चेहरे उदासी, आशीर्वाद क्या है? मिट्टी हो गए परोस में। हेलो हेलो हेलो, माननीय हमारे शत्रुघ्न वर्मा जी, हमारे कंपनी मालिक के साढ़ू जी, केसरिया सलीमपुर, इनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद छोटे सरकार। कौन मर गया? तेरे जान, ये साला जल में साला नमक डाल रहा है मेरे दोस्त। तेरे जाने के बाद कुछ नकाब पोस आए, पूनम को छुड़ा के ले गए और 20 लाख रुपया भी लेकर के गए। क्या 20,000 रुपया लेकर गए? 20 लाख रुपया लेकर के गए। 20 लाख? छोटे सरकार आप चिंता न करो, मैं इसी वक्त जाता हूँ और श्री सलाम चादे का पीछा करता हूँ और सराम दादे के हाथों में हथकर उतार कर इसी वक्त रात दरबार लेकर आता हूँ। ए छटुआ मेरे साथ है, आप मेरे आने के सालों को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। क्या सारे आओ साले नकाब पोसो, अगर सबको फांसी के फंदे पर न चढ़ाया छोटे राजन प्रताप सिंह नहीं, हम तुम सबके आने का इंतजार करते हैं। पैडम कहिए भैया, आपकी चिंता करने का सकता है बहन, और आज के बाद मैं ऐसा करता हूं, आज के बाद तेरा साथ में दूंगा बहन, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं देखेगा, अपनी बहन को सदा खुशहाल देखेगा। बहन और बहन पूनम मेरे, बहन पूनम मेरे, चिंता करने को सकता है बहन, और आज के बाद तो तुम्हारा भाई अपनी बहन को सदा खुशहाली देखेगा और अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देखेगा। सलाम जादे के हाथों में हथकड़ी
सरकार तो कह रहे थे कि तेरे पास बहुत बड़ा गिरोह है, कहां गए और तेरे साथी? बोल कहां गए? कौन किसका साथी? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बताएगा क्या कर रहा? मार हराम जाते को, ऐसे नहीं बताएगा। सरकार के पास ये वहां सब कुछ बता देगा। आप लोग कौन है और बचा लीजिए मेरे भैया को। डर गई तुम, रो नहीं और बेटी मेरी, तुम रो नहीं और बेटी मेरी, मैं खुद हूं गम का पापा जी बहुत गजब हो गया पापा जी। भैया दीपक को वो मंत्री कांता सिंह उठा के ले गया पापा। कांता सिंह? हाँ पापा। अगर कांता सिंह ने ऐसा किया है तो सबसे पहले कांता सिंह को मिटाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बन के आ रहा हूं। जय मां काली। इतना समय गुजर गया और अभी तक हमारा दोस्त उन नकाबपोशों को गिरफ्तार करके नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। जय गोपाल की क्या बात है? खाली हाथ अब क्या समझ करके आए कि प्रताप सिंह खुश होगा, तुझे शाबाशी देगा? अबे धिक्कार है तेरी जवानी पर, और तू जैसे इंसान को किसी तालाब कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। और चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना बेइज्जती करके भगा दूंगा फिर। क्या क्या ना डर है छोटे सरकार? ए मंत्री कांता सिंह, जिस काम के लिए जाए और खाली हाथ वापस आए। कहां ना फिर लो ओ छटवा लाश वालों को। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो, इधर आ रे, सामने आ। तेरे बाकी वाले साथी कहां पर है? कौन किसका साथी? अरे कांत का साथी? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अरे साले नकाबपोश, जब हमारे महल के अंदर आया था तो कितना बड़ा गिरोह बना के आया था, तो बाकी क्या तेरे गिरोह वाले हिजड़ा बन गए हैं? कहां है तेरे बाकी वाले साथी? अरे हुजूर, ऐसे न कबूली अज्ञा दी उद्योग कर्म चट से कबूल नहीं। मार साले को।
मैं रतौंधे होते। जब साले रतौंधे का मरीज है तो साले अपना इलाज कराओ, चल सामने आओ। कहाँ है तेरे बाकी वाले साथी? मैं नहीं जानता। लग रहा है कि ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, तुम्हारी गर्मी को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। अरे हुजूर, जब नौकर तो पे हाथ कहे गंधे करा तो अग्गे दियो हम गिरा दे। और जब साले रहता हूँ नहीं का मरीज है तो क्यों मारेगा? बहुत साले ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। निकला तो साला हमारा भतीजा दीपक निकला। मैं तो समझ रहा था कि तू साले मर गया होगा, लेकिन इस राज्य में हिस्सा बटाने के लिए साले आज भी जिंदा है। प्रताप सिंह, साथ तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाप के न रहने के बाद उसके जायदाद का मालिक उसका बेटा ही होता है। आज बिजनौर नगर मेरा है, आज बिजनौर नगर एक दिन मेरा होगा। प्रताप सिंह, अबे दीपक, ना इस राज को तो तुम्हारा बाप ले पाया है, ना तुम ले पाओगे। जब साले जिंदा रहोगे तब ना इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ रे, फांसी का फंदा लगाओ इसके गले में। और दीपक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह साला कैसे जानवर की तरह बांध रहा है? दीपक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज सुनाऊंगा तुम्हारी जिंदगी का नतीजा, आज सुनाऊंगा तुम्हारी जिंदगी का नतीजा। और कौन किसका चाचा, कौन किसका भतीजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर एक, फांसी का फंदा खोल, जल्दी रहे फांसी का फंदा खोल। दीपक बेटे, वेलकम माय डियर सन, वेलकम। अगर तू मर गया तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। कौन सा मेरा सपना है? मरने से पहले अपनी माँ से मुलाकात नहीं करोगे। कहाँ है मेरी माँ? हमारी जेब में निकाल लिया। कहाँ है मेरी माँ? यार इसकी माँ को लेकर क्या, जेल के फाटक पर देखो तेरी माँ रही है, जेल के फाटक पर देख तेरी माँ रही है। ये साला क्या कर रहा है, ये साला क्या कर रहा है रे? हम कह नहीं के राजा महाराजा ही, अब लास्ट बार पहुंच ही ले, अब वैसे दुल्हा जाए वाली है। कौन दुल्हा से? महर बेटे क्यों? इधर आ रे, महतारी और बेटे दोनों इधर आओ। दीपक बेटा, तू तो मेरा भतीजा है ना, लेकिन तेरी माँ को विधवा किसने बनाया? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने बनाया। तुझको घर से बेघर किसने किया? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने किया। और तेरे बाप को किसने मारा? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह। जान बचाया है और साले बदतमीजी कर रहे हो। छोटे सरकार, आप नहीं जानते जब ये हराम चाचा दीपक आपका गला दबा रहा था, मैं आपको छुड़ाने जा रहा था, इस शराम चाचे ने मेरा पैर पकड़। मार साले को, मार साले को। हम कहन रोक ले, एक तो नमक खून है,
जब तुम्हारा घ्यागा पड़े रहे उनका पकड़ ले और वही गुस्सा होगा तुम्हारा घ्यागा दाब दिया। अरे दू जने में एक जने बचाओ तेरे ही वर्खी को करी यही इनका पकड़े रहे मंत्री कांता ठीक कह रहा है। अगर हम दोनों लोग मर जाते तो एक तो पहली बात हम दोनों किलासे चील और कौवे खाते और फिर हम दोनों का अंतिम संस्कार कौन करता और बाद में कौन तेरे ही करता। छोटुआ देर मत कर गले में फांसी का फंदा लगाओ फांसी का फंदा छोटे सरकार जब आपने गले में फांसी का फंदा लगाने के लिए बोला तो हराम ज्यादा मेरे गले में फांसी का फंदा लगा निकाल और साले के लिए जूता मारूंगा साले की। आप जानो तो पढ़े लिखे हैं नहीं ना आपका नाम लेके कहे चाहिए महतारी और बेटा उनके लगाओ आप कुछ नहीं कहो इनका पेल के मनई बना दीन रहा है। अगर हमारा गलती हुए बीसन जूता मारो मंत्री कांता ये छोटुआ ठीक कर रहा है। हमने ये नहीं बताया कि फांसी का फंदा किसके गले में होना चाहिए। अरे छोटुआ माँ और बेटे दोनों के गले में फांसी का फंदा लगाओ और दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ भाभी जरा सामने आओ और अपने देवर की लास्ट वार्निंग आगरी चेतावनी सुनो कि न राम से रावण बचा है न राम से रावण बचा है और न कृष्ण से कंस तो तुम से क्या बचोगी और क्या बचेगा तेरा वंश। मरने के लिए तैयार हो जाओ नंबर एक और नंबर दो एक दो तो कहा तीन कहना नहीं जाएगा मात बच्चों की होनी और नहीं चाहिए वरना अंजाम नकाब पोस। पहली बार आए तो पूनम को छुड़ा करके ले गए और दूसरी बार इस माँ और बेटे को छुड़ाने के लिए आए हो। आखिर तो कौन सा इंसान है जो इन दोनों का मसीहा और हम दोनों की जान का दुश्मन बन के आया है। आखिर प्रताप सिंह हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है। दुश्मनी सुना कि मैं कौन हूं कौन है तुम तो?